हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में मैं यीड़ा की रेजिडेंशियल स्कीम RPS 07/2023 जो आई हुई है उसमें अप्लाई करूँगा और आपको लाइव दिखाऊँगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे कैसे पैसे जमा करा रहा हूँ, क्या क्या ट्रिक्स मैं फॉलो करता हूँ ताकि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो और मेरे पेमेंट सारे आराम से हो जाएँ। ये मैं पूरा लाइव रिकॉर्ड करूंगा, तो आपको भी कोई अपने डाउट्स हो इस पूरे एप्लीकेशन में तो इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी यूट्यूब पे मैंने अभी तक देखे वो सारे वीडियोस ज़्यादातर PDF के थ्रू समझाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एकदम लाइव लेके आया हूँ ताकि आप एक्चुअल देख सकें कि क्या हो रहा है, क्या स्टेप्स रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। इन वीडियोज़ को बनाने में मेहनत लग रही है और हम चाहेंगे कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे, और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप फ्यूचर के कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। तो आइए बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन डालने का एकमात्र तरीका है यमुना एक्सप्रेसवे authority.com की ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई भी ऑफलाइन कहीं भी बैंक में या कहीं पे भी इसके ऑफलाइन फॉर्म नहीं होंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा और वेबसाइट यही रहेगी, यमुना एक्सप्रेसवे authority.com। इस लिंक को मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और मिलती जुलती स्कैमर्स की जो वेबसाइट्स चल पड़ती हैं, जैसे पिछली स्कीम में चल पड़ी थी, अभी भी शायद तक होंगी या फिर आने वाली होंगी, तो लोग ऐसे स्कैमर्स करते हैं कि वो मिलती जुलती सी नाम और वेबसाइट बना देते हैं और लोगों के पैसे ठगने लग जाते हैं। वैसे ये इन्होंने थोड़ी टेम्प्रेरी बनाई हुई है, स्किप टू मेन कंटेंट करेंगे, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। तो इनकी मेन वेबसाइट भी शायद अब रेडी हो गई है या अभी नई स्कीम निकाली ही है इन्होंने, और इसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं न्यू स्कीम में भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और नहीं तो ये पुरानी जो इनके अभी थोड़े टाइम से चल रही थी टेम्प्रेरी जो वेबसाइट थी उसमें भी यहाँ से आप जा सकते हैं। तो दोनों ही सही तरीके हैं, दोनों एक ही जगह लेके आ जाते हैं। मैं भली दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे न्यू रेजिडेंशियल प्लॉट्स की अप्लाई नाउ करते हैं क्लिक, तो ये यहाँ पे लेके जाता है EIDA-RPS07.DISGENServices.IN। पिछली साल जो स्कीम आई थी उसमें भी यही थे, डिस जैन, मेरे पास जो ईमेल आते थे वो इसी नाम से आते थे, तो ये इनका ही थर्ड पार्टी या कुछ होगा जिसके थ्रू ये अप्लाई करवाते हैं। आइए उसमें नहीं जाते हैं और आगे अप्लाई करने की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब अपन इसमें क्लिक करते हैं तो साइन इन ऐसा ऑप्शन आता है। हाँ, इसका और मैं दिखा देता हूँ कि इसमें भी यही लेके आता है। तो अगर आप मेन वेबसाइट से आते हैं तो न्यू रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम अप्लाई नाउ यहाँ से भी आ सकता है, नहीं तो प्रॉपर्टी में न्यू स्कीम में आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको ब्रोशर डाउनलोड करना हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ, तो ये देखिए ये ब्रोशर आ गया। तो यहाँ अगर आपको ब्रोशर चाहिए तो मैं यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वापस से मैं पीछे जाता हूँ, यमुना की जो एक्चुअल वेबसाइट है, अब ये प्रॉपर्टी में न्यू स्कीम में इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम अप्लाई नाउ, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ये भी सेम उधर ही लेके आया है, ठीक है। तो जब ये पेज खुलता है तो सबसे पहले साइन इन बोलता है। आप अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साइन अप पे जाना है। आपने पिछली स्कीम में भी अगर अप्लाई किया होगा तब भी आपको वापस से साइन अप करना ही पड़ेगा। ये वापस से क्योंकि ये इन्होंने RPS 07 है, वो RPS 06 है। तो कुछ भी हो, अगर आपने पहले अभी पिछली स्कीम में भी अप्लाई किया था तब भी आपको फ्रेशली साइन अप करना होगा। साइन अप में ये तीन चीज़ें मांगता है, पूरा नाम जो कि एप्लीकेंट नेम ओनली एज पर इशूड गवर्नमेंट ID, तो आपका जो आधार या पैन कार्ड पे जो भी आपका नाम है पूरा नाम वो डालना है। आपको अपना निक नेम या जो अपन एक एक अक्षर का निक वो डालते हैं वो मत डालिएगा, पूरा नाम डालना है जो भी आपके आईडी में हो। फिर ईमेल आईडी में आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जो आप यूज़ करते हो, आपके पास इसका एक्सेस होना चाहिए क्योंकि इसी पे पासवर्ड जाएगा, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपका यूज़ करते हो। ये ध्यान रखना है आपको कि एक एप्लीकेशन के लिए उसकी मतलब यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ करें, एक ही ईमेल से दो दो ऐसे एप्लीकेशन ना डालें। अगर आप अपने वाइफ के नाम पे, अपने इंडिपेंडेंट बच्चों के नाम पे भी डाल रहे हैं एप्लीकेशन, तो उनके लिए अलग से ईमेल आईडी और अलग से फ़ोन नंबर डालें। तो आइए बढ़ते हैं, मैं भी डालता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या बढ़ते हैं। तो जैसे इसमें आपको नाम डालना है तो मैं डाल देता हूँ, मैंने ये थोड़ा ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा। तो जैसे आपको मैं ईमेल डाल देता हूँ, तो आपका जो भी ईमेल और वो हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने तीनों चीज़ें डाल दी है, नाम, ईमेल आईडी, जो मुझे ईमेल आईडी से अपना सारा पासवर्ड और सारे कम्युनिकेशन उसी ईमेल आईडी पे होंगे। तो ध्यान रखिए आपके पास उसी ईमेल आईडी का एक्सेस हो, आप उसको
ओपन कर सकें, ऐसी ही ईमेल आईडी डालिएगा। कोई ऐसी ईमेल आईडी ना डालिए जिनका आपको पता नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है, तो पासवर्ड देख लीजिए क्या है, फॉरगेट करके चेक कर लीजिए, तो आपको वो ही ईमेल आईडी डालनी है। और फिर आपका आधार नाम डालना है, जो भी आपका एग्जैक्ट आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में हो, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। चलिए फिर, अब आपने जब ये तीनों डाल लिए तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ऐसा मैसेज लिखा हुआ आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टर सक्सेसफुली, योर लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेट सेंड टू योर रजिस्टर्ड ई मेल आई डी एंड मोबाइल नंबर, प्लीज़ डाउनलोड एंड रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रोसीडिंग। तो अब हुआ क्या है, मैंने एक बार साइन अप जैसे ही क्लिक किया, तो इन्होंने मेरी लॉग इन आई डी तो वही रहेगी जो ईमेल आईडी थी, तो ईमेल आईडी और पासवर्ड अब मेरे ईमेल पे भेज दिया है। तो मैं अपना ईमेल चेक कर लेता हूँ, मेरे को आ गया क्या, ये बहुत ही जल्दी से आ जाता है। तो मैंने अपना इनबॉक्स में जब देखता हूँ तो मेरे को नहीं मिला। तो अगर आपको भी साथ भी ये हो रहा है, तो आप स्पैम फोल्डर में ज़रूर चेक करें। हाँ, तो स्पैम फोल्डर में आ भी गया है, तो मैंने अभी अप्लाई किया और 1 सेकेंड में आ गया है। तो आप स्पैम फोल्डर में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपका क्या पासवर्ड रहेगा। तो आइए, मेरे को जो अपना मिल गया, मेरे को स्पैम फोल्डर में मिला है, तो आप भी ध्यान रखिएगा, स्पैम फोल्डर जरूर चेक करिएगा, वहाँ पे आज चला जाता है। तो मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं वही ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मेरे को भी पासवर्ड पे आया है वो डाल के लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी मैं डाल लेता हूँ, तो मैंने अभी ईमेल आईडी जो मेरी थी वो डाल दी है, और पासवर्ड जो मुझे अभी मिला अपने ईमेल के अंदर आया था, ईडा का आता है, एक ईमेल आईडी उनकी है, EDA@disgen.in, इधर से आता है उनका। मैं ईमेल जिस इधर से आता है वो भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ईमेल नहीं आया तो आप उसको सर्च कर सकते हो, उस ईमेल आईडी को जहाँ से ये भेजते हैं, तो आपको मिल जाएगा ये ईमेल। तो वहाँ से जो पासवर्ड मेरे को दिया था वो मैंने डाल दिया है, और अब मैं साइन इन पे, जैसे मैंने साइन इन पे क्लिक करा तो मेरी सारी डिटेल्स आ जाती है, और फिर ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें कहता है, इफ़ पेमेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट, प्लीज़ डू नॉट री अटेम्प्ट द पेमेंट अंटिल फर्स्ट पेमेंट इज रिवर्स और क्लैरिफाइंग विद रिस्पेक्टिव एज बैंक, एनी डबल पेमेंट आर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। तो यही कहना चल रहा है, अगर आपने एक पेमेंट करी है तो वापस से आप पेमेंट ना करें, पहले उसका देखें कि वो वापस से रिवर्स हो चुकी है, या फिर आप अपने बैंक से क्लैरिफाई कर लें। अगर आप दो पेमेंट कर देते हैं तो फिर ये ईडा अथॉरिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अब इसको में 4 चीज़ें दी गई हैं, पहले डाउनलोड इंस्ट्रक्शन, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं क्या डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये मेरे डाउनलोड इंस्ट्रक्शन हो गए हैं, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये सारे इन्होंने ऐप बता दिए हैं, पहले रजिस्टर साइन अप करना है जो अपन ने कर लिया, फिर लॉगिन आईडी करना है विच इज़ सेंड टू योर ई मेल आई डी, ये भी अपन ने कर लिया, उसके यूज़ करके अपन ने लॉग इन कर लिया है। अब अपन को गो टू डाउनलोड फॉर्म एक्टिवेट फॉर्म करना है, और 590 रुपये फीस भरनी है। उसके बाद अपन अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी भरेंगे जो 10% है, और उसके बाद रिसीट और या एक्नॉलेजमेंट स्लिप को प्रिंट कर लेंगे, फिर अपन व्यू प्रिंट फॉर्म कर लेंगे, और डन, ये अपना एप्लीकेशन स्टेटस विल बी रिफ्लेक्टेड इन द डैशबोर्ड। तो इन्होंने पूरी समरी दे दी क्या क्या स्टेप्स हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है, यू कैन सबमिट वन एप्लीकेशन ओनली विद वन रजिस्टर्ड ई मेल एंड फ़ोन नंबर, फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन रजिस्टर साइन अप विद डिफरेंट ई मेल एंड मोबाइल नंबर। तो अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो अलग अलग ई मेल एंड फ़ोन नंबर यूज़ करें, एक ही ई मेल और फ़ोन नंबर से सारी एप्लीकेशन ना भरें, सिर्फ एक ई मेल फ़ोन नंबर पर एक ही एप्लीकेशन भरें। यूज़ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप टू सबमिट एप्लीकेशन एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट, अवॉइड यूजिंग मोबाइल। तो आप ये मोबाइल पे ना करिएगा, क्योंकि मोबाइल के लिए वेबसाइट्स ना भर बन बनी नहीं है, तो हो सकता है कहीं अटक जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो आप ये सारा काम लैपटॉप और डेस्कटॉप पे करें। द पोर्टल इज़ सेफ़ टू अप्लाई ऑनलाइन एंड मेक पेमेंट, ये पोर्टल एकदम सेफ़ है, बस ध्यान रखिए कि आप ये ईडा की जो एक्चुअल वेबसाइट है yumnaexpressauthority.com, इसी के थ्रू जाएँ। अलाउ पॉपअप, अनब्लॉक पॉपअप इन ब्राउजर सेटिंग बिफोर यू मेक एनी पेमेंट। तो जब वो अपन पेमेंट करते हैं तो कोई पॉपअप आ सकता है, इसलिए अपन को इसको सेफ वेबसाइट की तरह सेटिंग्स में ट्रीट करना और अलाउ करने सारे पॉपअप। एप्लीकेशंस टू बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, सब कुछ ऑनलाइन होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, ऑल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट ऑनलाइन। तो ये बता रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं होगा, नो हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड, तो आपको कहीं पर भी कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा। आफ्टर मेकिंग द फॉर्म फी पेमेंट ऑफ
90 क्लिक पे ऑनलाइन, तो अपन को पहले 590 रुपीज़ अप्लाई करने पे करने, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना होगा। कंप्लीट द फॉर्म सबमिशन इन जस्ट 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स रहेंगे, फिल द फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड मेक पेमेंट। तो एक बार अपन ने ऊपर वाला स्टेप कर लिया, मतलब 590 रुपये जमा करा के अप्लाई ऑनलाइन कर लिया, उसके बाद बस ये 3 स्टेप करने हैं, फिल फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और फिर रजिस्ट्रेशन मेक पेमेंट, वो दूसरी वाली बोल रहा है जो रजिस्ट्रेशन है 10% वाली, वो वाली पेमेंट बोल रहा है। फिर टेक अ प्रिंट ऑफ पेमेंट रिसीट आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट फॉर फर्दर इंक्वायरी। तो जब एक बार पेमेंट हो जाएगी तो उसकी रिसीट की अपन वो ले लेंगे एक प्रिंट, ताकि अपने पास फ्यूचर में कोई भी ज़रूरत हो तो काम आ पाए। योर एप्लीकेशन डिटेल एंड पेमेंट स्टेटस शैल बी डिस्प्ले इन योर डैशबोर्ड इटसेल्फ। तो जो भी होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा डैशबोर्ड में, क्या पेमेंट का स्टेटस रहा। इन केस ऑफ पेमेंट मोड इज NEFT एंड RTGS, मेक ट्रांसफर द पेमेंट टू द अकाउंट मैंशन इन द चालान कॉपी जनरेटेड। तो जो चालान कॉपी जनरेट होगी उसमें ही अपन को, उसमें सारी डिटेल्स होगी उस चालान में, और उधर ही अपन को नेफ्ट RTGS करना है, अगर अपन NEFT और RTGS के थ्रू कर रहे हैं। और ये बता रहा है NEFT RTGS का पेमेंट स्टेटस का मतलब रिफ्लेक्ट होने में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। तो अपन को है ना कीप लॉग इन टू चेक योर पेमेंट स्टेटस। तो अगर अपन NEFT और RTGS कर रहे हैं तो 24 से 48 घंटे आपको वेट करना होगा, और फिर देखना होगा कि आपका अप्लाई हो गया है और स्टेटस क्या आ रहा है। तो जल्दी भी हो सकता है लेकिन 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं। प्लीज़ नोट डाउन द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, पेमेंट रेफरेंस नंबर स्टार्टिंग विद RF फॉर फ्यूचरिंग पर। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो पेमेंट रेफरेंस रहेगा वो RF से शुरू होता होगा, इसका ध्यान रखना है और आपको इसको नोट रखना है। फॉर एनी काइंड ऑफ स्कीम रिलेटेड इंक्वायरी यमुना अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो ये PDF के थ्रू सारा बता रखा है, मैं आपको आज ऑनलाइन पूरा लाइव करके दिखाऊंगा एक एक स्टेप। तो अपन ने ये कर लिया है, अब अपन एक्टिवेट फॉर्म डाउनलोड ब्रोशर। तो ये दूसरा स्टेप है, पहला था इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करने का, जो आपको पढ़ना हो क्या है वो पूरा कर लिया अपन ने फर्स्ट स्टेप। अब अपन को एक्टिवेट फॉर्म डाउनलोड ब्रोशर करना है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये अपन को 590 रुपये जमा कराने होंगे, 500 रुपये इनका फॉर्म फीस है, 18% GST लग रहा है, तो टोटल मिला के 590। आपको ICICI बैंक जो एक ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि क्रोम और फायरफॉक्स हैं, तो ये प्राइवेसी में जाके कैसे पॉपअप को अलाउ करना है, ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। इसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI सारे ऑप्शन हैं, 590 ये हैं। ट्रांजेक्शन ID को मैंने अभी वो कर रखा है थोड़ा हाइड, और मोबाइल नंबर, ईमेल ID जो मेरी पर्सनल डेटा है, और मैंने बस आपको ये दिख रहा है। नेट बैंकिंग के थ्रू 0 रुपये दिखा रहा है, डेबिट कार्ड से अगर आप पे करेंगे तो 590 के ऊपर आपको कन्वीनियंस फीस और GST देना होगा, क्रेडिट कार्ड के ऊपर करेंगे तो 590 के ऊपर 4.8 कन्वीनियंस फीस और 0.86 GST लगेगा, UPI से करेंगे तो कोई फीस नहीं है। तो आप जिस जो भी आपको लिए कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए आप UPI यूज़ कर रहे हैं तो नीचे वो आपको दे देगा PAN, VPA, वेरीफाई, जो भी आपको डालना है वो डाल के कर सकते हैं, QR कोड से भी कर सकते हैं, तो QR कोड भी डाल सकते हैं और फिर प्रोसीड नाउ कर सकते हैं। तो मैं UPI कर रहा हूँ, यहाँ पे PAN ऑप्शनल है, और फिर यहाँ पे VPA कर सकते हैं या QR कोड, मैंने QR कोड कर दिया और प्रोसीड नाउ कर रहा हूँ। तो आपको जो सही लगे नेट बैंकिंग के थ्रू सही लगे तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, जो भी आपको सही तरीका लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं प्रोसीड नाउ कर रहा हूँ, तो मेरे को ये QR कोड दे दिया, इसने सब कुछ बता दिया कि ये QR कोड है, इस पर आप पेमेंट कर दीजिए। तो मैं अपने पेमेंट गेटवे का UPI का जो मेरा होता है उसका बैंक का खोल करके और फिर ये पेमेंट कर दूंगा। बस आपको अपना UPI का वो खोलना है, आप चाहे तो वो VPI वाला ऑप्शन ले सकते हैं, मैं कोई कैमरे वाला सही लग रहा है, मैं अपना पेमेंट का कैमरा लेकर के अब पेमेंट कर देता हूँ। तो मैं इसको QR जैसे अपन PayTM में ऐसे स्कैन करके पे कर देंगे, तो मैं अपने मोबाइल पे इसको स्कैन कर लेता हूँ, आपको जो तरीका सही लगे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी पेमेंट हो गई, और फिर आपको वैसे रिसीट मिल जाएगी, प्रिंट रिसीट करके आप इसको सेव जरूर कर लेगा। फिर अपन गो बैक टू योर डैशबोर्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ से लॉग आउट हो गए, कोई बात नहीं, अपन वापस से लॉग इन करते हैं। तो आप भी अगर लॉग आउट हो जाते हो घबराइएगा नहीं, आपको फिर से लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं लॉग इन कर देता हूँ फिर से, तो मैंने डाल दिया सारा डिटेल्स, अब मैं साइन इन कर किया तो मेरे को ये दिखा रहा है। अब मैंने पेमेंट कर दिया, मैं वापस एक एक्टिवेट फॉर्म पे कर रहा हूँ, तो मेरे को ब्रोशर डाउनलोड करने को सीधा मिल रहा है। तो
तो अगर आपका पेमेंट हो जाएगा तो आप वैसे ब्राउज़र वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप चाहें तो आप ऐसे भी अप्लाई करने के बाद यू डाउनलोड ब्रॉशर हो गया। अब एक्टिवेट फॉर्म कर रहे हैं, पहले अपन ने इधर ही क्लिक किया था और अपन को पेमेंट गेटवे पे लेके गया था। अब अपन ने जैसे ही क्लिक करे, तो जैसे मैं वापस से क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए ब्रॉशर डाउनलोड हो रहा है, ये रहा। तो अब ब्रॉशर डाउनलोड होता है, तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आपको अब थर्ड स्टेप रहेगा अप्लाई ऑनलाइन, तो वापस इसमें जा चले जाते हैं सबसे ऊपर, कहाँ गया ब्रॉशर, ये रहा ब्रॉशर। इसमें फिर से मैं दिखा देता हूँ, अपन ने लॉग इन कर लिया था, फिर डाउनलोड एक्टिवेट फॉर्म पे करने के बाद 590 रुपये क्लिक कर दिया। अब अपन इस स्टेप में जिसमें लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, तो अब अपन अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक करना है। 590 रुपये अपन ने जमा करा दिया, क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ये सारा आ गया। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, मैंने इसको वो कर रखा है, हाइड कर दिया है। ये आपका जो भी यूनिक है फॉर्म नंबर रहेगा वो रहेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा किस में आप अप्लाई करना है, जनरल या SC ST कैटेगरी में। अगर आप जनरल है तो जनरल को सिलेक्ट कर लीजिए, आप SC ST में आते हैं तो SC ST में। जनरल वालों को 10% रजिस्ट्रेशन मनी देना होगा, जो भी आप प्लॉट चूज़ करते हैं उसके प्रीमियम का, और SC ST में आते हैं तो आपको 5% प्रीमियम का अभी रजिस्ट्रेशन मनी देना होगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी आती है वो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे ये क्लिक करना है कि आपका सब कैटेगरी क्या है, आप ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, फार्मर है, इंस्टीट्यूशनल में है, फार्मर एंड हैंडीकैप्ड है, इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल इंडस्ट्रियल है या नॉट एप्लीकेबल। तो आप अगर किसी भी स्पेशल कैटेगरी में हैं जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं, तो आप उसका क्लिक करके डाल सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तो आप नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। फिर आपको ये सबसे मेन रहेगा प्लॉट साइज, आपको कौन सा प्लॉट करना है अप्लाई। आप सिर्फ एक ही साइज़ के प्लॉट में अप्लाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन में। तो अगर आप 120 मीटर चाहते हैं तो 120 पे ऐसे क्लिक करेंगे और उसके अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन मनी चेंज होता जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं 120 मैंने क्लिक किया, तो देखिए उन ये कितना था, हाँ 295,200। तो इसका जो टोटल रेट बनता है वो बनता है 29,52,000। तो उसका 10% बनता है क्योंकि मैंने जनरल लिया। जैसे मैं SC ST करूँगा तो ये रेट आधा हो जाएगा। फिर मैं जैसे SC ST में मान लीजिए नॉट एप्लीकेबल करता हूँ, तो अब आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन मनी, जैसे मैं प्लॉट का साइज़ लेट्स मान लीजिए मैं 120 सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए आधा हो गया, 5% ही लगेगा। तो आप जो भी ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन मनी वो दिखा देगा। तो इसमें आपको कुछ दिमाग वो नहीं करना है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं जैसे जनरल डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल डाल रहा हूँ और सेलेक्ट कर रहा हूँ प्लॉट का साइज़ 120, तो मेरे को ये देखिए ऐसे देख रहा है। तो आपको जो भी साइज़ सही लगे आप वो उसको भर सकते हैं। तो अपन जैसे मान लीजिए 120 पे ही लेके चलते हैं। एप्लीकेंट नेम में आपको जो आपका मेन एप्लीकेंट है उसका नाम डालना है। को एप्लीकेंट नेम में आपको वो नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं अपने वाइफ का नाम, अपने डिपेंडेंट जो मतलब इंडिपेंडेंट जो भी बच्चे हों या कुछ भी हों उनका भी नाम डाल सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा को एप्लीकेंट में नाम ना डालें, उसकी जगह आप ये करें, एक मिनट में को एप्लीकेंट में आप किस किस को डाल सकते हैं वो भी बता देता हूँ, साथ ही साथ फॉर्म खोल लेते हैं अपन। ये डिटेल्स तो आपको पता होगी कि स्कीम 8 अगस्त को शुरू हो गई थी, 1 सितंबर तक चलेगी और ड्रॉ का डेट रहेगा 18-10। स्कीम वैसे हो सकता है बढ़ भी जाए आगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 1 सितंबर तक आप ना रुकें, आप आधा एक मतलब वीक्स पहले ही भर लें। ये सारे प्लॉट्स रहेंगे, ये अपन ने जैसे अभी देखा 120 की 295,200 ये अब रजिस्ट्रेशन मनी आ रहा है, और जब अपन SC ST करा था तो ये अमाउंट दिखा रहा था। तो ये सारा आ गया, और आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम प्लॉट अभी 24,600 का सर्कल रेट है, तो इतना लगेगा। इसी वेबसाइट पे जैसे पेमेंट मेथड बताया रखा है इन्होंने, ये yamunaexpressway.com, और अपन ने भी देखी yamunaexpressway.com, तो एकदम अपन सही जा रहे हैं, यही वेबसाइट यूज़ करनी है। अलॉटमेंट का प्रोसेस में अपन को ऑप्शन 1 ही चूज़ करना होगा, ये मैं ऑप्शन 1 आपको दिखाऊँगा। ऑप्शन 1 ही भरना जरूरी है, उसमें आपको 90 दिन में 100% प्रीमियम देना होगा जो बचा होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन 1 भरना है, तो आपका जितना बजट हो ऑप्शन 1 ही चूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में जाते हैं तो आपको प्लॉट ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि वो ऑप्शन 1 में ही ख़त्म हो जाती है, इतनी एप्लीकेशन आ जाती है कि ऑप्शन 1 में ही ख़त्म हो जाता है। तो आप अपना भली छोटा प्लॉट ले लीजिए, लेकिन ऑप्शन 1 ही भरना है। आपका फंड्स कम है तो छोटा प्लॉट ले लीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, खेलने का ही मौका नहीं मिल पाएगा। लीज रेंट आपको 90 ईयर की मिलेगी और उसका रेंट रहेगा 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो आपका जो भी प्लॉट रहता है उसका 10% ना मान के चलिए आपको और जमा कराना है। तो आप जितना बजट लेके चल रहे हो उसमें ये ध्यान रखिएगा
आपको 10% ये लग जाएगा, फिर उसके बाद जब वो होगा, मतलब ये तो वैसे अलॉट होगा, टाइम लग जाएगा, जब भी आपको पोजीशन मिलेगी तब आपको देना होगा ये सारा का पैसा। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई की बात कर लेते हैं, पर 18 साल के होने चाहिए एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट दोनों, इसलिए मैंने बोला था आपका इंडिपेंडेंट हो, मतलब बेसिकली माइनर बच्चा ना हो, 18 साल से बड़ा होना चाहिए। ऑल इंडियंस एंड एनआरआईज, इवन एनआरआईज भी अप्लाई कर रहे हैं और इनको अलाउ किया हुआ है, तो ऑल इंडियंस एंड एनआरआईज कैन हु जो भी अलाउड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अलाउ मतलब कुछ ऐसा नहीं हो, प्रोहिबिटेड नहीं हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से वो सब अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल में पर्सन कैन अप्लाई ओनली वन प्लॉट अंडर दिस स्कीम इन एनी कैटेगरी, तो एक ही बंदा एक ही जने के लिए कर रखा है। अगर आपने अपने को एप्लीकेंट में इस माइनर डिपेंडेंट क्या लिखा है, दोज हु हैव बीन ऑलरेडी प्लॉट, हाँ अगर आपका पहले कभी प्लॉट या फ्लैट इसी ईडा स्कीम में निकले हैं, ईडा में मतलब आपके आपने रीसेल मार्केट में करा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने भली 100 खरीद रखे हैं प्लॉट ईडा में रीसेल मार्केट से, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अथॉरिटी के तरफ से पहले आपको मिल चुका है, तो आप, आपकी वाइफ, आपका कोई भी माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो अप्लाई नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपने खरीदे रीसेल में तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट कैन अप्लाई इन जॉइंट नेम, को एप्लीकेंट डाल सकते हो ओनली इफ इट इज़ इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो, मम्मी के नाम में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ विथ प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशन। तो अगर आप को एप्लीकेंट बनाना चाह रहे हैं, जैसे अभी मैंने देखा को एप्लीकेंट यहाँ पे जो भर रहे थे अपन, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना आप आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो, आपकी मॉम हो सकती है, डैड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी हो वो सब हो सकते हैं, लेकिन आपको साथ में फैमिली रिलेशन का प्रूफ भी देना होगा। उसके अलावा अपने दोस्त या किसी ऐसे जने को जिससे आपका आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं है उनको, या कोई भी इन लॉज की तरफ से ऐसे आप नहीं अप्लाई डाल सकते को एप्लीकेंट। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप को एप्लीकेंट ना डालें किसी को, क्योंकि इस बार ईडा में एक अच्छी चीज़ आई है, वो आई है कि आप अपने स्पाउस को एक अलग से उसकी एप्लीकेशन डालते हो, तो आप अपनी स्पाउस को एप्लीकेंट ना बना के उसके लिए एक आप अलग से एप्लीकेशन डालें, ताकि आपकी ड्रॉ में दो एप्लीकेशन जाएंगी तो आपका ज़्यादा चांस होता है, या तो आपका निकल जाए या अपनी वाइफ का निकल जाए, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, इस अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप को एप्लीकेंट ना बना के अपने स्पाउस को आप उसका अलग से एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना होगा आपको EMD भी दो जमा करानी होगी, 590 जो फीस है वो भी डबल जमा करानी होगी, तो हर चीज़ डबल होगी। और आप लेकिन ये कर सकते हैं, आप दो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक में अगर आपको कैटेगरी का प्लॉट दूसरा प्लॉट साइज़ भी ले सकते हैं या सेम ले सकते हो, आपकी मर्जी पे रहेगा। तो आप दो प्लॉट साइज़ में कन्फ्यूज है तो आप दो भी डाल सकते हैं, या एक में आप खेलना चाहते हो तो एक भी डाल सकते हैं दोनों एप्लीकेशन में, तो ये रहेगा। लेकिन एक टर्म है, अगर मान लीजिए दोनों का निकल जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, विद इन वन मंथ ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट वन ऑफ द प्लॉट शुड बी सरेंडर्ड बाय द एप्लीकेंट हस्बैंड और वाइफ। तो अगर आपके दो प्लॉट निकल जाते हैं तो आपको एक महीने के अंदर कोई सा भी एक प्लॉट जो आपको इच्छा हो वो आप सरेंडर करना होगा। इफ़ आफ्टर वन मंथ ऑफ अलॉटमेंट इट इज़ फाउंड दैट द एप्लीकेंट हस्बैंड एंड वाइफ आर इन अलॉटमेंट ऑफ वन प्लॉट दे हैव नॉट सरेंडर्ड द एक्स्ट्रा प्लॉट द स्पाउस देन द अलॉटमेंट्स ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शैल स्टैंड कैंसल फॉर रीजन ऑफ डिलीवरी हाइडिंग फैक्ट। तो अगर आपका आप नहीं सरेंडर करते तो आपका कैंसिल हो जाएगा। नो फर्दर कम्युनिकेशन ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन्ड देन द प्लॉट्स विल विच हैज़ अलॉटमेंट नंबर विद हायर न्यूमेरिक वैल्यू विल बी कैंसल्ड एंड रजिस्ट्रेशन फी सबमिटेड अगेंस्ट इट विल बी फॉरफिटेड रिमेनिंग अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट विल बी रिफंडेड। तो आप यही है कि दो प्लॉट निकल जाते पहले तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे कि आपके एक ही फैमिली में दो दो प्लॉट निकल गए। लेकिन अगर आप सही में इतने लकी रहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आप एक प्लॉट सरेंडर कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप रख लीजिए, और दूसरा आप सरेंडर कर दीजिए, ताकि आप इन सब में प्रॉब्लम में फंसे ही ना। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी रहेगी, आप अपने हस्बैंड वाइफ के नाम पे या इंडिपेंडेंट जो भी आपके बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, उन सब के नाम पे आराम से आप भर सकते हैं एक एक एप्लीकेशन। तो सब लोग अपनी मतलब जितना, लेकिन हाँ हर एप्लीकेशन के लिए अलग से EMD रजिस्ट्रेशन मनी देना होगा, तो एक ही रजिस्ट्रेशन मनी भी सबका नहीं होगा, सबको अपना अपना अलग से देना होगा। आप चाहें तो भले अपने अकाउंट से सबकी दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन मनी, वो चलेगा, लेकिन आपको अलग अलग देना होगा सबके नाम का। तो ये एक बड़ा थोड़ा रहेगा। तो को एप्लीकेंट नेम आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप, मैं डाल दे दिखा देता हूँ वैसे, जैसे जो भी आपको डालना है, जैसे मान लीजिए आप राम श्याम घनश्याम जो भी नाम डालना हो आपका वो आप डाल लीजिए, ठीक है, जो भी आपका को एप्लीकेंट हो उसका नाम।
अब डेट ऑफ बर्थ का आपको ध्यान रखना है, आप एग्जैक्ट जो आपके इस एप्लीकेंट की हो वो ही डालना हो। वो तो आप कोई भी, जैसे जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, मैं अभी बस डेमो के लिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल के दिखा देता हूँ। जैसे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर आपको एप्लीकेंट फादर हस्बैंड नहीं, तो जो भी एप्लीकेंट है ये मैं अभी वो जो जिस पे भी स्टार लगा वही भर के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फादर का नाम डालने चाहिए, जो भी जैसे मिस्टर राम मोहन शर्मा, जो भी अपन हो, फादर या हस्बैंड का नाम, जो भी एप्लीकेंट से रिलेशन हो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। जो भी अपन नाम हो, जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर को एप्लीकेंट अगर आपने डाला है तो उनके फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालना होगा। फिर रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, तो यहाँ पे ये सारे दे रखे हैं। तो ये जो अगर आपका को एप्लीकेंट है तो उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, तो आप वो डालना होगा। नन भी एक ऑप्शन आ रहा है और सेल्फ भी आ रहा है, तो अपन सेल्फ रख लेते हैं क्योंकि अपन ने को एप्लीकेंट डाला ही नहीं है। हस्बैंड है, तो जैसे को एप्लीकेंट है, क्या रिलेशनशिप है उसकी, तो वो है, तो अपन अभी सेल्फ ही कर लेते हैं। वैसे तो अपन ने कुछ डाला नहीं है, तो एस्टिक कर रखा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ब्रांच कोड और रजिस्ट्रेशन मनी, आप मैंने बताया था कि ये प्लॉट साइज और इस पर डिपेंडेंट करेगी। मैं और दिखा देता हूँ कितनी कितनी रजिस्ट्रेशन मनी रहेगी। जैसे 162 मनी डाला मैंने, तो आपको देने होंगे 3,98,520 रुपये। फिर 200 मीटर स्क्वायर मीटर का अगर आप लेते हैं, तो आपको देने होंगे 4,92,000 सॉरी। फिर 300 मीटर का अगर आप भरते हैं, तो आपको देने होंगे 7,38,000 रुपये। ये रजिस्ट्रेशन मनी की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी है और आपके पास कोई भी सब कैटेगरी में उस केस की बात कर रहे हैं। SC ST में आते हैं तो आपको कम पड़ जाएगा थोड़ा, 5% ही देना होगा। 500 मीटर की बात कर लेते हैं, तो आपको देना होगा 12,30,000 रुपये। अगर आपका 1,000 स्क्वायर मीटर का आप अप्लाई करते हैं, तो आपको देने होंगे, ये रहा, 24,60,000 रुपये देने होंगे अगर आप 1,000 मीटर का भरते हैं। और अगर आप 2,000 का भरते हैं, तो आपको देने होंगे कुल मिलाकर के 49,20,000 रुपीज़ देने होंगे। आप इस रजिस्ट्रेशन मनी में ये ICICI बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। हम आपको वो भी दिखा देते हैं, ICICI बैंक का इन्होंने लिस्ट दी हुई है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ये मैं सारे स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। ये सारे बैंक हैं, यहाँ से आप लोन भी ले सकते हैं। ये लोन आपको अपने 10% जो रजिस्ट्रेशन मनी है वो फिर बैंक देगा आपको। फिर भी 10% तो देना होगा। 10% मतलब कितना देना होगा, जैसे मान लो 120 मीटर भर रहे हैं, तो अभी आपको देना, जो देना है वो देना है 2,95,200, तो उसकी जगह 10% देना होगा। तो आपको सिर्फ देना होगा 29,520 रुपये, और बाकी ICICI बैंक देगा। लेकिन इसके लिए आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, तो आप अपने नियरेस्ट जो भी बैंक पड़ता है, मैंने आपको सारी ब्रांचेस के एड्रेस दिखा दिए हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो आपके घर के आसपास जो भी पड़ता हो, उसमें आप जा करके बात कर सकते हैं, और फिर आप बात कर सकते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो जमा करके आपको लोन मिल जाएगा। और ये लोन का जो मनी होगा वो सीधा ईडा में आप देंगे बैंक वाले, और अगर आपका निकल जाता हो तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो वो वापिस से ईडा वापिस से बैंक को दे देगी आपका लोन का। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। तो कैटेगरी में जो भी आप हैं, जनरल SC ST वो भर लगाना होगा आपको। फिर सब कैटेगरी में ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, फार्मर है, इंस्टीट्यूशनल है, फार्मर या हैंडीकैप्ड है, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल है, और या नॉट एप्लीकेबल। तो आपकी जो भी कैटेगरी उसमें डाल दीजिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, तो आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। प्लॉट साइज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। प्लॉट साइज कैन नॉट बी चेंज वंस रजिस्ट्रेशन मनी इज पेड। तो रजिस्ट्रेशन मनी पे करने के बाद आप प्लॉट साइज नहीं बदल पाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक जो भी आपको सही लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको सही लगे वो वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सैम्पल के लिए अभी 120 सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। एप्लीकेंट नाम अपने आप आ जाएगा जो आपने पहले रजिस्टर किया था। को एप्लीकेंट आपकी मर्जी है, आप डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो ना डालें। डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेंट का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना होगा। एप्लीकेंट के फादर का नाम, हस्बैंड का नाम इधर डालना होगा। को एप्लीकेंट का नाम यहाँ डालना होगा, हटा देते हैं। को एप्लीकेंट का नाम यहाँ डालना होगा। रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट सेल्फ डालना है। अगर आप मतलब यहाँ पे रिलेशन विद एप्लीकेंट वैसे नन भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नन पे प्रॉब्लम आएगी, तो सेल्फ ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं को एप्लीकेंट डाल ही नहीं रहा हूँ। वैसे जो ऐप को एप्लीकेंट डाल रहे हैं वहाँ पे डाल सकते हैं, तो लेकिन मैं को एप्लीकेंट डाल नहीं रहा, तो इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, तो मैं सेल्फ ही डाल देता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मनी जितना भी हो वो अपने आप शो कर देगा आपको। को एप्लीकेंट कैन बी हस्बैंड, वाइफ और अ पर्सन इन ब्लड रिलेशन विद मेन एप्लीकेंट एट डिस्क्राइब हियर इन आफ्टर। तो ये हो आपको बता ही दिया मैंने पूरा। इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन मनी इज फाइनेंस बाय एनी बैंक, द रिफंड ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट विल बी सेंड टू द बैंक ओनली। तो यही बता रहा है कि अगर आपने
बैंक से लोन लेकर के रजिस्ट्रेशन मनी भरी है, तो अगर आपका नहीं निकलता है तो जो मनी होगा वो वापस से बैंक को रिटर्न किया जाएगा। इन केस वेयर द एप्लीकेंट्स आर सक्सेसफुल, द इश्यूड अलॉटमेंट लेटर विल बी सेंड टू द फाइनेंशियल बैंक एड्रेस ओनली एंड एप्लीकेंट्स एड्रेस एज मैंशनड बाई एप्लीकेंट इन द फॉर्म। तो अगर आपका नहीं निकलता तो पैसा वापस से बैंक को चला जाएगा, और अगर आपका निकल जाता है तो दो अलॉटमेंट लेटर आएंगे, एक फाइनेंसिंग बैंक को दिया जाएगा और एक एप्लीकेंट एड्रेस जो आपने नीचे एड्रेस अपन अभी भरेंगे वहाँ पे भेज दिया जाएगा अगर आपका निकल जाता है तो बैंक के थ्रू। अगर आप अब आपको मेलिंग एड्रेस डालना होगा तो यहाँ पे जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है वो डाल दीजिए, जहाँ पे भी आप रहते हैं, एड्रेस वन, एड्रेस टू, एड्रेस थ्री सब। तो आपको पूरा एड्रेस तीनों में मतलब डिवाइड करके डालना है, आपका सिटी जो भी आपका सिटी है और पिन कोड, तो आपका पिन कोड यहाँ पे आएगा, सिटी यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मैंने आप थोड़ा हाइड कर रखा है अपनी डिटेल्स, मोबाइल नंबर और ईमेल हाइड कर रखा है, तो आप यहाँ पे ये भर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर आपका परमानेंट एड्रेस, ये तो था मेलिंग एड्रेस, तो जो भी अगर आपका निकलता है तो आपका ये कहाँ पर आएगा जो अलॉटमेंट लेटर है वो सब, वो तो मेलिंग एड्रेस पर आएगा। परमानेंट एड्रेस आपका दूसरा भी हो सकता है, तो आप चाहें तो परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो सेम होगा तो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका दूसरा है तो यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस अपना भर सकते हैं। अब अदर डिटेल्स में जाते हैं, अदर डिटेल्स में मैरिटल स्टेटस में पूछेगा आप सिंगल है मैरिड है, तो आप जो भी हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आप सिंगल तो सिंगल डाल दीजिए, मैरिड है तो मैरिड डाल दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो आप जो भी हैं आपका स्टेटस वो आप डाल सकते हैं, जेंडर आप डाल सकते हैं, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर डाल सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है वो डाल सकते हैं, एज आपकी जितनी भी आपकी एज जो भी हो वो आप डाल यहाँ पे डाल सकते हैं ऐसे। फिर मेन सबसे मेन पेमेंट प्लान, पेमेंट प्लान के तीन ऑप्शन है, पेमेंट प्लान वन, पेमेंट प्लान टू, पेमेंट प्लान थ्री। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको पेमेंट प्लान वन चूज़ करेंगे तो ही आपका लकी ड्रॉ में बनने की संभावना बनेगी, आप पेमेंट प्लान टू और थ्री लेते हैं तो आपका निकलने का ना के बराबर हो जाएगा। मैं वापस से पेमेंट प्लान आपको दिखा देता हूँ, ये रहे पेमेंट प्लान, थोड़ा बड़ा और कर देता हूँ। तो पेमेंट प्लान वन में ये रहेगा कि आपको 100% टोटल प्रीमियम जो भी है, रजिस्ट्रेशन फी सब कुछ मिला मिलो के 90 डे के अंदर, जब भी आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है उससे 90 दिन के अंदर आपको पूरा प्रीमियम देना होगा। तो ये होगा पेमेंट प्लान, तो आपको सही से प्लान करना है कि आप कितना 90 दिन में फंड्स जुटा पाएँ, उतना ही प्लॉट बड़ा साइज कर लें, ज़्यादा बड़ा प्लॉट लेने के चक्कर में ना जाएँ। आप ऐसा ना करें कि आप प्लॉट तो निकल जाए लेकिन आपको फिर सरेंडर करना पड़े। ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री हैं जिसमें आप 50% भर सकते हैं या 30% भर सकते हैं, बाकी का 90 दिन में तो 50% या 30% देना होगा, बाकी का बाकी किस्तों में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इनमें जाएंगे तो आप मान के चलिए आपका नहीं निकलेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको पेमेंट प्लान वन लिखेंगे तो ही आपको मिलेगा, क्योंकि इतनी एप्लीकेशन आ जाती हैं कि पेमेंट प्लान वालों से बाहर ही निकलती है, और भी ये पेमेंट प्लान वन वालों को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं हम कि पेमेंट प्लान वन को प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए आप पेमेंट प्लान वन वन भरें, क्योंकि दूसरे तक तो पहुंच ही नहीं पाता और ड्रॉ खत्म हो जाते हैं, सारे प्लॉट खत्म हो जाते हैं। अब अपन जाते हैं एप्लीकेंट बैंक डिटेल फॉर अनसक्सेसफुल केस। तो अगर आपने फॉर्म भरा, ड्रॉ हुआ, आपका निकल जाता है तो बहुत ही बढ़िया, हम आशा करेंगे आपका निकल जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता आपका नहीं निकलता है तो आपका जो ये 10% रजिस्ट्रेशन मनी अपन ने जमा करा है वो आपका रिफंड किस बैंक में है उसकी डिटेल आपको इधर डालनी है। ये ध्यान रखिएगा जिस नाम से ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसी का अकाउंट नंबर होना चाहिए। ये आप अभी रजिस्ट्रेशन मनी देते वक्त भले किसी के नाम पे कोई भी बैंक में जमा करा सकता है, पैसा कोई भी कर सकता है, उसकी वो नहीं है, लेकिन जब रिटर्न आएगा अथॉरिटी की तरफ से तब वो उसी इंसान के जिसका नाम भी एप्लीकेशन नाम में है, एप्लीकेंट नेम में है, उसी के नाम पर ही जाएगा ये पैसा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने अपने बच्चे के नाम पे करवाया तो उसी का अकाउंट नंबर डालना है, अगर आपकी वाइफ के नाम पे एप्लीकेशन डाल रहे हो तो उसी का अकाउंट नंबर डालना है, आप किसी और के अकाउंट नंबर में नहीं ले सकते, जिस नाम से एप्लीकेशन गई है उसी के अकाउंट नंबर में पैसा जाएगा, उसी का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बैंक लिख देना, जो भी आपका बैंक है, आपका जो भी बैंक है, लेट्स से आपका जो भी बैंक है उसका नाम यहाँ डाल देंगे, उसका ब्रांच क्या है, उसका IFSC कोड क्या है। IFSC कोड आपको अपने बैंक की पासबुक में मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने बैंक वालों से बात कर सकते हैं कि IFSC कोड क्या है, तो वो मांग सकते हैं। आपको अपना पैन नंबर भी देना होगा और अकाउंट नंबर तो देना ही होगा बैंक का, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। तो ये सारा डिटेल्स देने के बाद आप पूरा फॉर्म भर गया है आपका, अब आप एंड में ये पढ़ लीजिए, वेदर एप्लीकेंट इज SC/ST अंडर द प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन दिस, तो आप नो कर दीजिए और यस कर दीजिए जो भी आपका है। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको यस करना है, और अगर आप नहीं आते तो आपको नो करना है, ठीक है।
ध्यान रखिए दोनों मत कर दीजिए, इसमें वैसे गलती है, दोनों हो रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा आप एक ही को टिक करें। तो अगर आप एस सी एस टी है तो आप यस करिए ऐसे, और अगर आप एस सी एस टी नहीं है तो आप नो कर दीजिए। वेदर एप्लीकेंट इज़ अ पर्सन विद डिफरेंटली एबल्ड, तो अगर आपको कोई भी वो है तो आप यस कर दीजिए, और अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो आप नो कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको सबमिट एंड कंटिन्यू करना है। फिर अपन सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको अब अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देगा। अब अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या मांग रहा है वो अपन देख लेते हैं। आपको फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी, साइज़ होना चाहिए 20 KB से 100 KB के बीच में, ठीक है। और साइज ये भी बता रहा है 2.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका इतने साइज़ में आ जाए, नहीं तो वो फिर अपलोड नहीं हो पाती है। तो 20 KB से 100 KB के बीच में आपकी फ़ोटो रहे। ID प्रूफ फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, मैक्सिमम साइज़ अलाउड है 200 KB, तो आपको वो भी डालना है। अगर आपने एस सी एस टी कोई भी, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। डिसेबल्ड पीपल का अगर आप ले रहे हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डालना होगा, वो आपको यहाँ डालना होगा। एफिडेविट इन 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर फॉर फार्मर्स, तो अगर आप फार्मर कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको एफिडेविट देना होगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर का। फोटो कापी ऑफ नक्शा कापी बेनामा कापी, तो अगर आप फार्मर कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको वो भी अपलोड करना होगा। आपका सिग्नेचर, तो आप वाइट पेपर पे एक सिग्नेचर अपने कर दीजिए, और फिर उसकी फ़ोटो लेकर के आपको वो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसका भी 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ को एप्लीकेंट, सब .jp जो भी फोटोज़ हैं वो .jpeg फॉर्मेट में रखिएगा, और जो ID प्रूफ है उनको PDF फॉर्मेट में रख लीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ को एप्लीकेंट, अगर आपका को एप्लीकेंट है तो आपको सिग्नेचर उसके भी डालने होंगे, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने को नहीं लिया है को एप्लीकेंट तो उसका नहीं लगेगा। जो जिस पे ये स्टार मार्क है, जैसे कि पहला फ़ोटो, आपकी फ़ोटो, आपका ID प्रूफ, आपका सिग्नेचर और आपका पैन कार्ड, ये एक मैंडेटरी है। बाकी आपका जो भी बनता है वो तब डालना ज़रूरी है। अगर आपने कास्ट लगाया है SST का तो डालना मैंडेटरी है, लेकिन सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, इसलिए स्टार नहीं लिखा हुआ रहा है। लेकिन अगर आपने पीछे एप्लीकेशन में SST लिखा है तो आपको ये डालना ज़रूरी रहेगा, नहीं तो आपका वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आपने पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सेम गो बाकी का भी यही सेम रहेगा। तो अगर आपने को एप्लीकेंट डालना है तो आपको उसका भी सिग्नेचर भी डालना होगा, तो ये करना होगा। उसका फोटो भी डालनी होगी को एप्लीकेंट की, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ दे रखा है 2 MB का, मैक्सिमम साइज़ अलाउड यहाँ पे 2 MB दे रखा है, यहाँ पे 25 KB दे रखा है, थोड़ा अलग कर दिया है। तो बेसिकली वही 20 से 100 KB के बीच में आप रख लीजिएगा, मैक्सिमम साइज़ अलाउड 25 KB कर रखा है इधर। वैसे पैन कार्ड की आपको अपलोड करनी है, और मैक्सिमम 200 KB में पैन कार्ड आप डाउनलोड करना है। तो ये आपको सबकी चीज़ें डालनी है, और जब आप सारी ले लेंगे जो जो आपको अपलोड करनी है, उसके बाद अपन अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो आइए अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। इसमें लिखा है प्लीज स्कैन मल्टीपल पेजेस इन अ सिंगल PDF फॉर्मेट ओनली, तो अगर आपके मल्टीपल पेजेस है तो सिंगल PDF बनानी है और उसी में डालना है। तो मान लीजिए आपके किसी प्रूफ के, जैसे ID प्रूफ में 2-3 पेज का है, तो आपको, मैं ID प्रूफ में आधार डाल रहा हूँ, तो आप जो भी आपको सही लगे वो आप डाल सकते हैं। और पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, तो पैन कार्ड तो आपको डालना ही होगा, तो आपको ये ध्यान रखना और अपलोड डॉक्यूमेंट फिर क्लिक करना है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे व्यू क्लिक करेंगे तो, और आपको डिलीट करना है तो ये, तो मैंने अपने एप्लीकेशन में जो भी डालना था उसके अनुसार फ़ोटो, ID प्रूफ डाल दिया, सिग्नेचर डाल दिए, पैन कार्ड डाल दिया। आपको जो भी सही लगे, आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा अगर आपने SST डाली है तो, डिसेबिलिटी शो करिए तो फिर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप फार्मर कोटा का एप्लीकेशन में डाल रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में एफिडेविट डालना होगा, नक्शा और या बैनामा कॉपी डालना होगा, फोटो कापी उसकी। आपके को एप्लीकेंट है तो आपको उसका सिग्नेचर और फोटो भी अपलोड करनी होगी, और पैन कार्ड सिग्नेचर मेन, मतलब मेन एप्लीकेंट का सिग्नेचर, उसकी फ़ोटो, उसका ID प्रूफ तो कंपलसरी है डालना। तो इसलिए अब जब हो जाए तो आपको कंटिन्यू क्लिक करना होगा। फिर आपको फाइनली ये डिक्लेरेशन मांगेगा, तो डिक्लेरेशन है आई हैव डिक्लेयर दैट द अबव सेड इज सब कुछ करेक्ट है एंड नथिंग, मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है, और अब मैं पूरा एलिजिबल हूँ, ब्रोशर के अनुसार मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और मैं इसको एग्री करता हूँ। तो आपको अपने वो सब दे करके ये डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद अगर आप देखिए सब कुछ सही है आपके अनुसार, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लिखे और सबमिट क्लिक कर देंगे, तो आप यहाँ पे सबमिट क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी वे फाइनल बन जाएगी। मैंने कुछ डेटा वो कर रखा है, दिस इज़ द प्रीव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आ जाएगा, एप्लीकेंट का नाम, हस्बैंड फादर नेम, जो भी कैटेगरी, प्लॉट साइज आपने क्या लिया है वो सब कुछ आ जाएगा, मैरिट स्टेटस जो भी आपने सब कुछ भरा था वो सब आ जाएगा, पेमेंट प्लान आपने जो भी चूज़ किया, ब्रांच कोड कितना आपका वो बनेगा वो सब कुछ आ रहा है, आपका मेलिंग एड्रेस सब कुछ यहाँ पे सब कुछ जो करा, जो जो आपने डेटा दिया है आप मेक श्योर कर लीजिएगा सब कुछ करेक्ट है।
तो आप एक बार सब जब चेक कर लें उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। और फिर आप जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अपन आपका सब कुछ डिटेल्स बता देगा, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फॉर्म नंबर, क्या क्या है आपका। और फिर फाइनली आपको रजिस्ट्रेशन फीस बता देगा और आपको ICICI बैंक पे वापिस से सेम वही करना होगा और एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड करना होगा। अब फाइनली आपको वापिस से वही देगा। अब UPI नहीं है इस बार, RTGS है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप RTGS भरते हैं तो आप जनरेट चालान कर सकते हैं, नेट बैंकिंग करते हैं तो आपको सीधा यहाँ से नेट बैंकिंग पे ले जाएगा आपका जो भी है, जैसे कि अमाउंट ये है ये है, ICICI बैंक रिटेल, ICICI बैंक कोऑपरेटिव, अदर बैंक जो भी आपका, अगर अदर बैंक हो तो अदर बैंक कर दीजिएगा और फिर प्रोसीड नाउ कर दीजिएगा। डेबिट कार्ड है तो आपके आप यहाँ पे साथ के साथ ये भी दे सकते हैं, नेफ्ट में 5 रुपये 90 पैसे अलग से चार्ज लगेंगे, नेट बैंकिंग में 6 रुपये ये लगेंगे और 1 रुपया ये लग जाएगा, 6.02 और 1.08। डेबिट कार्ड में अगर जाते हैं तो आपको 27 रुपये 97 पैसे ही देने होंगे, GST 5% रुपये देने होंगी। तो यहाँ पे आप कौन सा डेबिट कार्ड है, अगर डेबिट कार्ड है तो ये भी डाल सकते हो, प्रोसीड नाउ कर देंगे। क्रेडिट कार्ड है तो ये कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा फीस लगेगी, 4,000 रुपये लग जाएंगे, 720 रुपये ये लग जाएंगे। तो आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है वो डाल सकते हैं, तो आपको जो भी करेगा वो आप कर सकते हैं। अब एक बार अपन ये भी देख लेते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ नेट बैंकिंग, तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करूँगा, लेकिन आपको RTGS चलान वाला जो ऑप्शन लोग यूज़ करते हैं उसको भी दिखा देता हूँ। नेट बैंकिंग मैं करता हूँ लेकिन ये लोगों को डर रहता है कि एकदम से पेमेंट अटक ना जाए, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट की पेमेंट एकदम से अटक ना जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रात को जैसे 12-1 बजे के बाद सब सो गए होते तो सर्वर पर लोड भी कम होता है तब, या सुबह जल्दी उठ के 4 बजे ऐसे उठ करके सुबह सुबह तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, आपका काम भी बन जाएगा और सर्वर पे भी लोड भी कम बनेगा। तो आप चाहें तो नेट बैंकिंग पे, इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठे हो जाता है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू जा सकते हैं। मैं एक बार आपको RTGS का भी दिखा देता हूँ, जनरेट चालान पे क्लिक करके। तो जैसे आप चालान पे क्लिक करेंगे तो आपका ये चालान बन गया है, इसमें आपको अकाउंट नंबर आपके अनुसार ही दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन अनुसार ही उन्होंने ये अकाउंट नंबर यूज़ करना है। ये आपका IFSC कोड रहेगा, ये ब्रांच नेम रहेगी, ये इस बेसिस पे आपको यहाँ पे सारा अमाउंट भी शो कर रखा है, तो आप उसके अनुसार ये सारा डिटेल्स के अनुसार जितना अमाउंट यहाँ पे शो कर रखा है उतना कन्वीन्स फी GST जा सारा मिला कर के आप पे कर दीजिए और ये चालान में सारे डिटेल्स रहेंगी। बैंक में जाकर करा सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो मेरी तरह मैं जैसे नेट बैंकिंग सजेस्ट कर रहा था, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, रात को कर लीजिए, सर्वर पर लोड नहीं होता है। और एंड मोमेंट का मत वेट करिएगा, कभी भी क्रैश हो सकती है वेबसाइटें, फिर बाद में लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो आप कभी भी वेट मत करिए एंड मोमेंट का, और आप जल्दी से जल्दी जब भी आपका प्लान बन जाए तो आप एटलीस्ट कुछ 1 सप्ताह पहले तो अप्लाई कर दीजिए तब, क्योंकि एंड में ही सारे वो प्रॉब्लम्स आती है, क्रैश होता है। तो आज मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया कैसे अपने 590 रुपये जमा कर, पहले रजिस्ट्री किया, फिर अकाउंट बनाया, फिर अपने लॉगिन किया, फिर अपने 590 रुपये फ़ीस भरी, फिर मैं अपने फॉर्म भरा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करे, उसके बाद फाइनली चालान जनरेट करा है। अब आप बैंक में जाके चालान जनरेट कर लीजिए। तो ये पूरा मैंने स्टेप लाइव आपको दिखाया, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए, इसमें बहुत मेहनत लग रही है, एक एक वीडियो हम बनाते हैं, तो आपको अगर हमारा ये मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक करके हमें ज़रूर प्रोत्साहित ज़रूर करें, और हमें भी पता चलेगा कि आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लग रहा है ताकि हम ऐसा कंटेंट बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।